बड़ा भारी सुख है, बड़ा आनंद है। कई लोग सन्यासियों को देख के कहते हैं कि बड़ा मनमौजीपन है, बड़ी स्वतंत्रता है ना। सन्यास में, इस आध्यात्म की डगर में बड़े नियम हैं। जब कोई योगी अग्नि जला के तपता है, अपने शरीर को तपाता है, जो कल्पवास कर रहे हैं, दिन में एक बार भोजन और तीन बार गंगा स्नान, उन ऋषि मुनि महात्माओं की वो तप की ये गूंज है कि कुंभ में हम सब यहां आए हैं। ये किसी सरकार के और किसी हम सबके सहयोग से ये आयोजन नहीं हो रहा है, तो ये तो उनका तप है, उन महनीय महापुरुषों का तप है जिसके बल से ये सब सधा हुआ है। तो वहां शर्त लगा ली थी सुखदेव मुनि ने कि मैं जन्म जब लूंगा मैं सन्यास लूंगा, मुझे रोकिएगा मत। और देवहूति और कर्दम का जब विवाह हुआ तो उन्होंने भी ये शर्त लगा ली कि जैसे ही पुत्र होगा मैं सन्यास के लिए चला जाऊंगा। पहली शर्त, कैसा सुख होगा सन्यासी में कि कपिल भगवान का जन्म हुआ, वो भगवान को छोड़ के वन को चला गया, कि अब मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि मैं किसी से भयभीत ना हूं, कोई मुझसे भी भयभीत ना हो, मैं किसी से नजरें न चुराऊं, कोई मुझसे भी नजरें न चुराए, मैं मिथ्या ना बोलूं, कोई मुझसे भी मिथ्या ना बोले, कभी मुझे क्रोध ना आवे, उस पथ पे चला गया। कर्दम कपिल भगवान को छोड़ के चले गए पालने में, दर्शन किए, परिक्रमा लगाई और चले गए। क्योंकि अगर आपको स्थायी सुख चाहिए तो आपको इंद्रियों पे एक प्रभावशाली नियंत्रण तो रखना पड़ेगा, वरना सारा जीवन इंद्रियों के सुख में। कई लोगों का कैसे स्वाद भोजन में ही सारा जीवन निकल जाता है, कई लोगों का जीवन नैन सुख करने में ही चला जाता है कि कभी यहां देखने गए, वहां समुद्र देखने गए, वहां झाड़ियां देखने गए, वहां पर्वत देखने गए, केवल निहारने में कितना व्यय, कितना समय, परमार्थ को ठुकराकर आंखों की अभिप्सा को नष्ट करने के लिए, कोई गंध के वशीभूत होकर, कोई शब्द के कितने गाने सुने जाएं, कथा के लिए नहीं। कथा के लिए तो उन्होंने जिनके श्रवण भय समुद्र समाना, समुद्र जैसे श्रवण मांगे थे, लेकिन जो आसक्ति के वशीभूत है, जिसकी इंद्रियां विचलित हैं, वो ऐसा निर्णय नहीं ले पाएगा। कि ये निर्णय लिया कि पुत्र हुआ, उधर आत्मदेव पुत्र के लिए रो रहा है और यहां ईश्वर रूप में पुत्र प्राप्त करके वो सन्यास को जा रहा है। ऐसे के यहां ईश्वर जन्म लेता है और जो पुत्र के यहां पुत्र के लिए रो रहा है, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र, बदले में आया धुंधकारी। ऐसा सुख है सन्यास में कोई। एक बार गया प्रसाद जी के पास, ब्रज के बड़े ऊंचे संत हुए, गया प्रसाद जी के पास एक बहुत बड़े कथावाचक, हमारे देश की बड़ी मूर्ति रमेश भाई ओझा जी गए। एक कथा का निमंत्रण पत्र राधा रानी जी को देने जाना था, तो पहले गया प्रसाद जी के पास चले गए कि ऐसे ऐसे वहां निमंत्रण देने जा रहे हैं। तो वहां गया प्रसाद जी ने उनसे कहा कि जब प्रभु से मांगो, यजमान भी साथ में था, यजमान से कहा
कि जब प्रभु से मांगो तो उन्होंने उनसे सुख मत मांगना, क्योंकि अगर आपने सुख मांगा, आपने अपने कष्टों की निवृत्ति मांगी, तो नारायण एक क्षण में आपके कष्टों को नष्ट कर देंगे, लेकिन फिर उन कष्टों को भोगने के लिए आपको बार बार यहां आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने कष्टों को पूरी तरह नहीं भोग लेंगे, मुक्ति नहीं होगी। रामकृष्ण परमहंस सदैव मां काली की सेवा में रहते थे, बहुत भोले संत थे, बहुत ज्यादा कुछ उन्हें आता नहीं था, कोई उनके पास कोई प्रश्न पूछने जाता तो वो वहां बस अच्छा ठीक है, किसी ने पूछा कि महाराज ये कैसे होगा, अच्छा ठीक, वो गए अंदर काली मैया के पास, दरवाजा बंद किया और सीधा काली मां से पूछते थे कि कोई आए हैं वो ऐसे पूछ रहे हैं, मैं उनसे क्या कह दूं, तो मां काली उन्हें उत्तर देती थी। एक बार विवेकानंद ने उनसे कहा कि गुरुदेव आपके गले में कैंसर हो गया है, आप इतना कष्ट पा रहे हैं, क्यों ना आप काली मां से कह दें और आप स्वस्थ हो जाएं। तो रामकृष्ण परमहंस को लगा हां ये सही बात कह रहा है, तो रामकृष्ण समझ गए कि मां मेरे कष्टों की निवृत्ति कर रही है। यही बात गया प्रसाद जी ने उनसे कही कि भागवत जी में कभी आप कष्टों की निवृत्ति न मांगे, क्योंकि ये तुरंत निवृत्त कर देंगे, आपके कष्टों को तुरंत निवृत्त कर देंगे, लेकिन फिर उन कष्टों को भोगने के लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे जननी पुनरपि शयनम, फिर से उस चक्र में आपको आना पड़ेगा। उधर दक्ष की मनु महाराज से भी नहीं बनती है और उसकी एक ऐसे देव से शत्रुता है जिसकी किसी से शत्रुता नहीं है, जिससे सब प्रेम करते हैं और उससे सभी से जो प्रेम करता है, एक अहंकारी दक्ष जिसे अहंकार के कारण देव देव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अहंकार तो आपकी आंखों को मूंद देता है, बंद कर देता है। राम जब सीता जी के साथ गरुण विमान में आ रहे थे तो सीता जी ने पूछा हे प्रभु ये जो नीचे पड़े हैं ये कौन है, राम ने कहा ये अहंकार है जो युद्ध भूमि में उल्टे पड़े हैं, ये अहंकार थे जो मनुष्यों का रूप लेके यहां घूम रहे थे, आज ये धूल चाट रहे हैं। तो दक्ष ने सोचा कि मैं शिव का अपमान करूं, एक यज्ञ का आयोजन कर लिया, तीन आसन लगाए ब्रह्मा विष्णु महेश, वह शिव का आसन नहीं है, एक तरफ ब्रह्मा का है एक तरफ विष्णु का है और बीच में अपना आसन लगा लिया कि जब ब्रह्मा आएंगे इधर बैठ जाएंगे, विष्णु आएंगे इधर बैठ जाएंगे और बीच में मैं बैठ जाऊंगा। ये वही नहीं था, आज भी स्टेजों पे ऐसा प्रचलन है, चेयरों की व्यवस्था ऐसे कर देंगे कि ये यहां मैं यहां, ये तब भी था स्वयं के अहंकार के वशीभूत होकर, स्वयं की प्रशंसा पद मेरा कोई ऐसा गुणगान हो जाए कि मैं ब्रह्मा और विष्णु के बीच में बैठा था।